इस वीडियो में हम लीव के बारे में बात करेंगे, अवकाश के बारे में, जो छुट्टियां आपको मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब जब ज्वाइन करते हो आप। तो बेसिकली हम एसएससी को कवर करते हैं। तो एसएससी के अंदर आप कोई भी पोस्ट ऑप्ट करोगे किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मानी जाती है आपकी। और इसके अलावा और भी जो अलग एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती करती है, सबके अंदर ये सेम रूल लागू होता है। स्टेट गवर्नमेंट के रूल थोड़े अलग होते हैं। तो इसमें हम पूरा डिटेल कवर करेंगे। और जो लोग नया ज्वाइन करने वाले हो, चाहे अभी 21 के थ्रू ज्वाइन करोगे, 20 के थ्रू ज्वाइन करोगे, तो उनके लिए भी क्या यही नियम लागू होगा, उस पर भी बात करेंगे हम। राइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि वर्किंग डे और सरकारी छुट्टियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ज़्यादातर ऑफिस जो होते हैं वो 5 दिन के लिए होते हैं। 9:30 से 6 बजे का टाइमिंग होता है। बायोमेट्रिक मैक्सिमम आपको मिनिस्ट्री के अंदर या फिर डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो 6 दिन खुलते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आप पोस्टल असिस्टेंट का देखते हो, तो पीए की पोस्ट 6 दिन की होती है आपकी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है। 10+2 के थ्रू उसकी वैकेंसी भरी जाती है। और कुछ गैजेटेड हॉलीडे होते हैं, उस दिन ऑफिस बंद रहते हैं, उसकी लिस्ट आपको स्टार्टिंग में ही, आपको जब ईयर ख़त्म होने वाला होता है तो गवर्नमेंट आपका रिलीज़ कर देती है। और वो जो आपका होता है उस दिन आपका सारे ऑफिस बंद रहते हैं। साथ में एक रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का भी लिस्ट आता है, वो हम आगे बात करेंगे। और देखिए, कुछ ऑफिस में जब काम बढ़ जाता है आपका ऑफिस के अंदर, तो सैटरडे और संडे को भी ऑफिस खोलना पड़ जाता है। देखो, अगर वो आपके पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है तब तो उसका आपको छुट्टी नहीं मिलता है। लेकिन एक ऑफिस ऑर्डर के थ्रू, मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर वो ऑफिस खोलता है, तो उसके बदले आपको CPL दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, बाकी हम इनके बाद जो बातें करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट छुट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है CL, कैजुअल लीव। तो इसको आपको बात करें तो हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 8 मिलते हैं साल में। 1 जनवरी को आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाती है। और एक साथ आप 5 CL ले सकते हो कंटिन्यूस में, ठीक है। तो जैसे मान लो आप मंडे से लेना चाहो, तो मंडे से 5 दिन आप कंटिन्यू ले सकते हो। 5 दिन के बाद आपको फिर से सर्विस ज्वाइन करके फिर दोबारा आपको कंटिन्यू करना होता है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं मैं, कि अगर मान लीजिए आप थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हो, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे आपका ऑफ है, एंड देन आगे आप मंडे से, तो जो बीच वाला जो 2 दिन छुट्टी है वो काउंट नहीं होता है। तो आप इसको ब्रेक करके भी ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। अगर कोई नया ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट, सपोज़ करिए वो जुलाई को ज्वाइन कर रहा है या अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन कर रहा है, तो जो आपका हायर अथॉरिटी होता है उसके पास पावर होती है, जो आपकी छुट्टी है CL, वो आपको कितना क्रेडिट देगा। अगर जुलाई में ज्वाइन कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको 4 वो दे सकता है। अगर आप नवंबर में ज्वाइन करते हो तो आपको 2 दे देगा। तो वो उनके पास, चाहे को आपको वो 8 भी अवेल करा सकता है, उनके पास पावर रहती है इसकी। लेकिन जनरली इसको मतलब रेशियो में बांट करके आपको अवेल करा दिया जाता है। और इसको ध्यान रखिएगा कि CL एक बहुत इंपॉर्टेंट लीव होती है आपके पास। ज़्यादातर लोग इसको बचा के रखते हैं, कब कौन सी कैजुअलिटी आ जाए उस केस में आपका CL बहुत काम आता है। बात करते हैं दूसरी जो छुट्टी होती है वो EL होती है, अर्न लीव, अर्जित अवकाश इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये आपको 1 जनवरी से 30 जून और फिर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 15-15 करके दी जाती है। यानी साल भर में आपको 30 EL मिलती है। रूल इसका ये होता है कि जब आप 1 महीने की जॉब करते हो तो आपके अकाउंट में 2.5 दिन क्रेडिट हो जाता है। राइट, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि EL को हम आधा ले सकते हैं जो आप पीछे देखे थे, लेकिन जो CL को आधा ले सकते हो जो पीछे आपने कैजुअल लीव देखा था, लेकिन EL को आधा नहीं ले सकते हो। EL हमेशा पूरा लिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि EL और CL कभी भी एक साथ नहीं ली जाती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि शुरू के 3 दिन आपने EL ले लिया, फिर आगे के 2 दिन, मतलब उसके आगे 2 दिन CL ले लिया। अगर आप EL ले रहे हो तो कंटिन्यूस में आपको EL ही लेना होगा। इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत रहता है कि EL एक सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए मंडे से स्टार्ट कर रहे हो या वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हो, वेडनेसडे को छुट्टी लेते हो, फिर थर्सडे को लेते हो, फ्राइडे को लेते हो, और देन आप मंडे को, अगला वाला मंडे है उसको भी छुट्टी ले रहे हो, तो बीच में जो सैटरडे संडे आपका आ रहा है वो भी आपका EL में काउंट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि आपकी 2 छुट्टी है EL वाली चली जाती है। अगर आप बीच में ज्वाइन करते हो तो फिर से आपका जो हायर अथॉरिटी है जो आपको ज्वाइन कराएगा, जितने मंथ बचे होंगे आपको उतने आपके EL आपको मिल जाएगा उसमें। जैसे मान लो आप नवंबर में ज्वाइन कर रहे हो, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने काम किया, आपको 5 EL मिल जाएगा। लेकिन आप पहले नहीं कर सकते EL। जैसे मान लो आपने नवंबर में ज्वाइन किया तो नवंबर वाले महीने में आप EL नहीं ले सकते, आप नवंबर वाला EL दिसंबर में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब कोई नया ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में छुट्टी से वो बचता है। EL जो होती है वो नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन जो आपने CL देखा था पीछे कैजुअल लीव, वो आपकी लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और ये आपके अकाउंट में ऐड होती है
जब आप रिटायर होते हो तो आपको मैक्सिमम 300 दिन का पैसा आपको मिलता है। आपके अकाउंट में भले 400 ईएल बचे हो, लेकिन आपको जो पैसा मिलेगा वो 300 दिन का ही मिलता है, राइट। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है आपको। अगला है जो आपका आरएच, इसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दो तरह की छुट्टियों की लिस्ट निकालती है, एक गैजेटेड हॉलीडे और एक आरएच। तो ये आपको दो आपको मिलता है। आपको आप पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में दो यूज़ कर सकते हो, और कोई भी रीजनल फेस्टिवल या फिर स्टेट के जो रीजनल फेस्टिवल होते हैं उसके हिसाब से आपका जो लिस्ट रहता है आप इसको अवेल कर सकते हो। ये लैप्स हो जाती है साल के एंड में, तो इसको लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो त्यौहार वाला साल महीना जो स्टार्ट होता है उसमें ही इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसको आप सीएल के साथ ले सकते हो। जैसे मान लो आपने तीन छुट्टी लेनी है तो दो आपने सीएल ले ली, तीन छुट्टी में से दो सीएल ले ली और एक आपने आरएच ले लिया। लेकिन आरएच उस डेट को होना चाहिए। सपोज़ करिए भैया दूज हो गया आपका, या सपोज़ करिए आपका रक्षाबंधन हो गया, तो ये सारे आरएच के अंदर आते हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हो, राइट। लोग ट्राई करते हैं कि जो दिवाली वाला अक्टूबर नवंबर होता है उसमें त्यौहार ज़्यादा पड़ते हैं, उसमें इसको यूज़ करने की कोशिश किया जाता है। अगली जो आपकी लीव होती है वो होती है एचपीएल, हाफ पे लीव। इसको मेडिकल भी कहते हैं ज़्यादातर लोग केस में, कि आप मेडिकल ले लीजिए। तो जनवरी से जून तक आपको 10 और जुलाई से दिसंबर तक आपको 10, टोटल 20 दी जाती है आपको। और इसमें आपको अगर आप 10 दिन नहीं रहते हो तो आपको आधी सैलरी क्रेडिट की जाती है पर डे के हिसाब से, तो इसलिए इसको हाफ पे लीव कहते हैं। और मेडिकल की, जैसे मान लो आपको कोई तबीयत ख़राब हो गया, कुछ ऐसे मान लो किसी और की फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आपको मेडिकल अपना देना पड़ता है। और सपोज़ करिए आप 10 दिन नहीं रहते हो तो आपकी 5 दिन की सैलरी चली जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं लोग कि 10 एचपीएल लेकर के उसमें से 5 आपका हाफ सैलरी चला जाएगा, जो 5 दिन बचे रहते हैं उसको दूसरी छुट्टी लगा देते हैं। मान लो जैसे आपने ईएल लगा दिया या सीएल लगा दिया, राइट। तो इस तरह से आप इसको कम्प्लीट करा सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो 300 दिन होता है वो एचपीएल और आपका जो ईएल, वो दोनों मिला करके आपको 300 दिन होता है। ये कैरी फॉरवर्ड होता है। मेडिकल वाली जो 20 दिन की होती है आपको आगे आपके अकाउंट में ऐड होते चलती चली जाती है। सीसीएल की बात करें, चाइल्ड केयर लीव की बात करें, तो जो लोग फीमेल स्टाफ होते हैं उनको 730 दिन के लिए 730, यानी 2 साल आप मान लो, ठीक है, मैक्सिमम दो बच्चों के लिए मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, और 18 से कम साल तक की उम्र के लिए उनकी देखभाल करने के लिए आपको ये दी जाती है फीमेल स्टाफ को। और आप इसको टुकड़ों में भी ले सकते हो, ठीक है। और सपोज़ करिए कोई एम्प्लॉई है, जो मेल एम्प्लॉई है उसकी वाइफ नहीं है, वाइफ की डेथ हो गई है, उसने दोबारा शादी भी नहीं करा हुआ है और बच्चों की केयर करने के लिए वो अकेला है, देन उस केस में मेल एम्प्लॉई को भी सीसीएल दी जाती है, राइट। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये बहुत लंबा छुट्टी रहता है और ये बहुत बेस्ट है। मैटरनिटी लीव की बात करें हम, तो फीमेल स्टाफ के लिए 180 दिन यानी कि 6 महीने के लिए दो बच्चों तक के लिए दी जाती है, राइट। अगर मिसकैरेज है या फिर अबॉर्शन का केस है तो 45 दिन की लीव मिलती है, और ये सीसीएल से अलग होती है, राइट। जो सीसीएल आपका 2 साल है उससे ये हट करके है, तो फीमेल स्टाफ के लिए काफ़ी कुछ बढ़िया ये है आपके लिए है। पैटर्निटी लीव देखो क्या है कि अगर आप मेल एम्प्लॉई हो और आपकी जो वाइफ है उसकी केयर करने के लिए डिलीवरी के टाइम पर आपको 15 दिन की लीव दी जाती है, और ये आप डिलीवरी के 15 डेज पहले से लेकर के डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक उनकी देखभाल के लिए आप ले सकते हो। और ये आप चाहे आपकी इच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ले लीजिए चाहे आप बाद में ले लीजिए, और ये आप अवेल कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। बात करते हैं ईओएल की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसमें आप बिना सैलरी के लीव पर जा सकते हो, इसमें आपको सैलरी नहीं दी जाती है। ईओएल जो होता है आपका, वो आपके इंक्रीमेंट, जब आपकी इंक्रीमेंट लगती है, आपका मिनिमम सैलरी जब एक एक साल के बाद आपका इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, तो आपकी ईओएल जो होती है वो काउंट नहीं होती है, राइट। लेकिन अगर आप मेडिकल या फिर हायर स्टडी के लिए, बीमारी के केस में अगर आप ईओएल ले रहे हो या पढ़ाई के लिए अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, देन उस केस में आपका ये इंक्रीमेंट में काउंट होता है। ईओएल को सर्विस के लिए, मतलब आपकी एक सर्विस बुक बनती है, आपका एक पूरा रिकॉर्ड छुट्टियों का सब रखा जाता है उसमें, ईओएल को अच्छा नहीं माना जाता है, तो कोशिश की जाती है कि हम ईओएल से बचें, राइट। एलएनडी का मतलब होता है लीव नॉट ड्यू। अगर आपके पास कोई भी छुट्टी नहीं बचा हुआ, आपकी ईएल सीएल आरएच एचपीएल सब ख़त्म हो गए, तो उस केस में आपको एलएनडी का वो रहता है। इसमें आपको ये एडवांस में दी जाती है, और इसकी जो कटौती है, मान लो आपने 10 एलएनडी लिया तो ये आपके एचपीएल जो है आपका मेडिकल वाला 10-10 करके उसमें से रिकवरी करी जाती है, ठीक है।
पूरी सर्विस में, पूरी नौकरी में आप 360 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते एरेंडी, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हायर स्टडीज़ लीव, अगर आप ऐसी कोई पढ़ाई करने जा रहे हो जिससे डिपार्टमेंट में कुछ फ़ायदा है या फिर डिपार्टमेंट के ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, तो मिनिमम एक सर्विस होती, जहाँ तक थोड़ा इसका मैं क्लियर कर दूँ कि 5 साल का शायद जहाँ तक है कि आप 5 साल की कंटिन्यू सर्विस कर लेते हो डिपार्टमेंट में, देन आप जा सकते हो हायर स्टडी के लिए। डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है और आपको डिपार्टमेंट पढ़ाई के लिए भेजता है और उसमें आपका इंक्रीमेंट वगैरह सब काउंट करा जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए। बाकी आपके कोई क्वेरी है आप एक बार इनबॉक्स में डाल दीजिए छुट्टियों को लेकर के, और ये आपको बहुत जल्दी अगर आप जॉब में नहीं आए हो तो आपको मिलेगा। और छुट्टी को दो तरह से सैंक्शन कराया जाता है, या तो आप पहले करा लीजिए प्री सैंक्शन, या आप आने के बाद करा लीजिए पोस्ट सैंक्शन करा लीजिए। ज़्यादातर लोग प्री करा के जाते हैं, छुट्टियों का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहता। आपकी जो हायर अथॉरिटी होती है काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है, छुट्टियाँ हैं तो आपकी ही छुट्टी है तो आप इसको अवेल कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।